खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अपने पहले आईपीएल खिताब का इंतजार कर रहे दिल्ली के फैंस को दिल्ली की टीम ने कल रात ये बता दिया कि इस सीजन वो कुछ अलग करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। फिरोजशाह कोटला मैदान पर केकेआर और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों ने 20 ओवरों में 185 रन बनाए और ये मैच सुपर ओवर तक गया। सुपर ओवर में पहले दिल्ली की टीम ने 10 रन बनाए, जिसके बाद केकेआर की टीम महज 7 रन बना सकी और इस मुकाबले को गवा बैठी। इस मैच के अंदर ऐसे ही कई और दिलचस्प रिकॉर्ड्स और वाकये देखने को मिले, आइए डालते हैं उन पर भी एक नजर। कल रात आईपीएल के 12 सालों के इतिहास में 8वां सुपर ओवर मुकाबला खेला गया। केकेआर की टीम का ये तीसरा सुपर ओवर मैच रहा। उन्होंने राजस्थान के सबसे अधिक बार सुपर ओवर खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इस मैच में आईपीएल का लोएस्ट सुपर ओवर टोटल भी डिफेंड किया गया। आंद्रे रसेल ने कल 28 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसके साथ ही वो 1000 रन बनाने वाले आईपीएल खिलाड़ी बन गए। इतना ही नहीं, 1000 रन पूरे करते हुए उनका स्ट्राइक रेट सबसे तेज 185.06 का रहा। पृथ्वी शॉ 19 साल 141 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के आईपीएल सेंचुरियन बनने से चूक गए। ये रिकॉर्ड अब भी मनीष पांडे के नाम है, जिन्होंने 19 साल 253 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था। आईपीएल में पृथ्वी शॉ एक रन से शतक चूकने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले सुरेश रैना और विराट कोहली भी 99 के स्कोर पर शतक से चूक चुके हैं। हालांकि सुरेश रैना इन तीनों बल्लेबाजों में इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो नाबाद लौटे थे। कल खेले गए सुपर सैटरडे के बाद आज तापमान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आज है सुपर संडे, जहां पहली टक्कर होनी है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। वहीं शाम में दूसरी टक्कर होगी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। क्रिकेट की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए wahcricket.com, साथ ही साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।